अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो है वो मेले का समय है। पाक भारत टाकरा शुरू होने में आधा घंटा बाकी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। हमारे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जो पाक भारत टाकरा देखने पूरी दुनिया में जाता है, ना सिर्फ श्रीलंका बल्कि दुबई में भी हमने इनको देखा और ऑस्ट्रेलिया में भी हमने आपको देखा। एडलिन में मैंने भी आपके साथ एक लाइव किया था। और कैसा लग रहा है आज के मैच को लेकर, कितनी एक्साइटमेंट है आज? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। सुबह हम टीम से मिले, जितने वो रिलैक्स थे, जितने खुश थे, हंसी मजाक कर रहे थे, फैन से मिल रहे थे, उससे हमारा दिल भी और बड़ा हो गया। तो पूरी उम्मीद है कि आज जीतेंगे और जज्बा तो हमेशा से है ही, हारे जीते जज्बा तो है। लास्ट टाइम इनकम्प्लीट रह गया था ना, तो इस बार वो भी हम जोश बचा के लाए, तो एक्साइटमेंट डबल है इस बार के रिजल्ट देखने की क्या होगा। कैंडी में मौजूद थे आप? बिल्कुल, तो मायूसी हुई थी? नहीं, हमें इतना मजा आया था क्योंकि वो मैच आई थिंक पाकिस्तान ने जितना परफॉर्म किया हमें फील नहीं हुआ कि कुछ हमने मिस किया है। इट वाज, हम तो बाहर यही निकल के सोच रहे थे कि जीत गए थे ना मैच, अब वो हुआ नहीं, वो हमारी गलती थोड़ी है। लेकिन बहुत मजा आया था। कैंडी का स्टेडियम, उधर का एटमोसफेयर बहुत अच्छा था। आज यहाँ भी वैसे काफी अच्छा भी था, हम अंदर नहीं गए। खुशी हुई कि आज सुबह से धूप निकली हुई है और मैच पूरा देखने को मिलेगा। कि नॉर्मली गर्मी लग रही होती है तो सब कंप्लेन कर रहे होते हैं, आज पसीने छूट गए, बहुत खुश हैं। और हमें बहुत लोगों ने बोला पागल हो, फिर से जा रहे हो, फिर बारिश हो जाएगी, क्यों पैसे जाया कर रहे हो। हमने कहा नहीं भाई, जा रहे हैं। तो आज जब सुबह उठ के सूरज देखा तो बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान कहाँ से है और किस तरह मैनेज कर लेते हैं दुनिया भर में जाना और प्लान करना? जहाँ पे भी आपने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में भी आपने मैच देखा, तो किस तरह प्लान करते हैं? कराची से हैं। हाँ जी, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्लानिंग लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। वीजा आपको पता है बहुत मुश्किल होते हैं लगाने, तो आई थिंक उसका क्रेडिट इनको जाता है, सारी ख्वारी ये करते हैं। नहीं, हम दुबई में रहते हैं और हम पाकिस्तान का जो स्केड्यूल होता है उसको देखते हैं, क्योंकि होता है क्या कि जब दोनों मियां बीवी में जज्बा हो तो आई थिंक वो डबल हो जाता है। तो इसलिए फिर कभी मैं डाउन होता हूँ तो ये मुझे बोलती है कि नहीं, जैसे आज के मैच में से बोला नहीं, जाना ही जाना है। तो और यही हम स्केड्यूल फॉलो करते हैं, जो अपना काम है वो उस तरह प्लान करते हैं कि आ सकें। पाकिस्तान क्रिकेट का ये न्यू गोल्डन एरा है, तो यही सबको है कि जो पाकिस्तान फैन आ सकता है उसको जरूर आना चाहिए। ये टाइम बहुत सालों बाद आया हमारी क्रिकेट में। पाकिस्तान इंडिया का मैच कब से आप देख रहे हैं और सबसे बेस्ट मैच आपका कौन सा था जो आपने स्टेडियम में देखा? 152-0 दुबई वाला। दुबई वाला, मेलबर्न वाला बहुत अच्छा था, वो हम आखिरी बॉल पे हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन वो मैच बहुत ज्यादा अच्छा था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, वो कैसे भूल सकते हैं, वो वैसे सबसे बेहतर था। और दुबई में हमने देखा, आप दुबई के रेजिडेंट हैं, वहां पे पहले 21 वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्म दिया, ये वही शर्ट है। फिर एशिया कप हमने वहां देखा जो लास्ट ईयर हुआ था, अधूरा रह गया था, उसमें भी हम लोग फेवरेट थे लेकिन एकदम से श्रीलंका सामने आ गया। तो इस टूर्नामेंट में आपको क्या लग रहा है? हम फाइनल खेलेंगे ना उनके साथ, इंशाल्लाह बदला लेंगे ना, इंडिया को कंसिडर नहीं कर रहे? इंडिया, आई थिंक इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचेगा। एक तो उनका शायद आई थिंक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, बाकी आई थिंक उनकी टीम में पॉलिटिक्स मुझे ऐसे लगता है बहुत ज्यादा है, और जो उन्होंने एशिया कप को सैबोटेज थोड़ा बहुत किया है तो नहीं पहुंचेगा, मुझे नहीं लगता। आई थिंक पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल, मुझे लगता है श्रीलंका और पाकिस्तान श्रीलंका। जी जी, भारत के नो चांस, मुझे आई डोंट थिंक सो। आज मैच का कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे नहीं लगता वो फाइनल में पहुंचे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, बाबर आजम का ये फैसला अच्छा है? बहुत अच्छा फैसला है। रोहित शर्मा को शाहीन पहले ही प्रेशर में डाले, वो बेहतर है। और अभी मुझे लगता है किसी वक्त भी डंडा उड़ने की आवाज आने वाली है, तो जमीन मिलेगी किसी भाई नहीं। आई थिंक अच्छा फैसला है, हम उनको प्रेशर में शुरू में डालें, वैसे हमारी बॉलिंग से घबराए हुए हैं। अगर आप उनकी न्यूज चैनल देखें तो उनको बस तीन हमारे पेसर्स की बात हो रही है, तो अच्छा उनको घबराहट में पहले खेलने देना चाहिए। शाहीन अफरीदी आज पहले ओवर्स में विकेट लेगा? डेफिनेटली। किसकी? किसकी लेगा? रोहित शर्मा की ही। आई थिंक नहीं, हाँ वो शुरू होते, अगर नसीम शाह शुभमन गिल को आउट करेगा। नसीम शाह और हारिस रऊफ के जिम्मे क्या है? वो बाकी टीम ना जो नीचे के बहुत सारे हैं ना, वो तेज इतना है वो सबको आउट कर देगा वो तो। और भाई मशरफ को आज टीम में जो है वो जगह दी गई, मोहम्मद नवाज की जगह। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि मोहम्मद नवाज को क्रिटिसाइज किया गया, हमने फिर कैंडी में देखा कि मोहम्मद नवाज शदाब दोनों को क्रिटिसाइज किया गया। तो आज क्या लगता है नवाज जो है, नवाज इफ यू रिमेम्बर पिछले एशिया कप में नवाज ने बड़ा अच्छा इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया था, तो बैटिंग में जो हम जीते थे, बट आई थिंक क्रिटिसाइज तो किया था लेकिन वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। बट आई थिंक अभी के हिसाब से, श्रीलंका के हिसाब से फहीम अशरफ बेहतर ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। पहले बॉलिंग है तो कितने स्कोर्स तक भारत को रोक पाएगी पाकिस्तानी बॉलिंग? आई थिंक सेम स्कोर होगा ना जो लास्ट टाइम था, आई थिंक 250 तक रोक लेंगे। वैसे तो कुछ पता नहीं, हमारे बॉलर्स उनको 150-160 पे भी आउट कर दें, लेकिन मैक्सिमम साइड पे 250 हो सकता है।
और आज किसका बल्ला रन उगलता देख रहे हैं पाकिस्तान साइड से, फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, आज लगता है उसका दिन हो सकता है। आज सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत खुश था, तो जब वो टीम के निकल रही थी होटल से, तो मैंने बोला फखर भाई आपका आज मूड बहुत अच्छा है, बहुत रन करने वाले हो, तो उसने मुझे देख के एक्नॉलेज किया आज फखर जमान रन करेगा, बाबर आजम तो इंशाल्लाह आज करेगा, बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ ज्यादा रन नहीं किए तो आज उसका दिन है। आज तो चले आपने भारत को आउट कर दिया, पाकिस्तान फेवरेट है, जीत रहा है, फाइनल में आप श्रीलंका जो है वो लेके आ रहे हैं आप, तो 17 वाला तो पाक भारत टकरा खत्म हो गया आपके मुताबिक। नहीं अब ये 21 का बदला आज इस दफा लेंगे ना, जो अपना पाकिस्तान श्रीलंका वो 21 था, 22 का 21 था, हाँ तो उसका बदला लेना है, और आई थिंक श्रीलंकन टीम इनकी अपनी कंडीशन में अच्छी भी बहुत है, तो आई थिंक उसका और पाकिस्तान का फाइनल होने वाला है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका फेवरेट, अगला मैच 14 अक्टूबर को है भारत में, भारत के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, वहां 132K क्राउड होगा, मेलबर्न में आपने देखा 1,00,000 था, वहां 1,32,000 है, तो क्या कैसा है? आई थिंक उस 1,32,000 में से 2 हम तो होंगे, बाकी 1,31,000 वो बाकी जो भी होता है वो पता नहीं कौन होगा। और अच्छा उधर हम जाएंगे, अच्छा है अंडरडॉग जाएं, वर्ल्ड कप का प्रेशर भी होता है, पाकिस्तान का भी जीता नहीं वो बहुत चीजें, लेकिन जब उधर जाके हराएंगे ना, तो जब आप मेरे से उसके अगला पूछेंगे ना कि आपका पाकिस्तान इंडिया का फेवरेट मैच कौन सा था, तो मैं आपको अहमदाबाद, आपने तैयारी कर ली इंडिया जाने की? अभी तक 10 दिन पहले अप्लाई कर दिया वीजा, इंशाल्लाह वीजा आएगा तो जरूर जाएंगे, तैयारी पूरी है, ना आने की कोई वजह नहीं है ना, क्यों नहीं देंगे हमें वीजा यार, हम तो फैंस हैं। बहुत लोग डिस्करेज भी कर रहे हैं कि आप ना जाएं और सेफ नहीं होगा, लेकिन हम जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल एक्साइटेड है, जाएंगे, हमने कोलकाता चेन्नई हर जगह का वीजा अप्लाई तो किया है, जहां का भी होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान टीम को भारत होना हो जो भी टीम के साथ मैच होगा हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट से बात करने के लिए, आप लोग मैच एंजॉय करें और मुझे उम्मीद है कि जो हमने बातें बोली ये सच होगी, और वरना डिलीट तो नहीं हो सकता, लाइव जा रहे हैं आप लोग और हम लोग भी, और इनके साथ हम भी पूरी उम्मीद है, और यकीनन देखने वाले शायकीन भी पूरी उम्मीद होंगे कि ये मैच पाकिस्तान का है। अच्छा एक चीज आपसे पूछूंगा, रेट क्या करेंगे आज के मैच को, 50-50, 60-40, 70-30, 70-30 पाकिस्तान, 90% अब तो डिलीट हो नहीं सकता ना, तो अब तो नहीं डिलीट हो सकता जी, 90 और 10, इतने कॉन्फिडेंट ये पाकिस्तानी फैन जो हर जगह पहुंचते हैं पाक भारत टाकना देखने, तो मैं भी पुरउम्मीद हूँ और मेरी दुआ है कि ये लकी साबित हो आज भी पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान ये मुकाबला जीते। इनके मुताबिक पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल है, मैं यहां से अपडेट आपको करता रहूंगा, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।